केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी का वो चेहरा जो इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के वो चेहरे जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बनाया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जिनके एक एक बयान को सुर्खियों में देखा जा रहा है, जिनके एक एक बयान से सियासी पारा ऊपर नीचे हो रहा है। जी हाँ, कौन है केशव प्रसाद मौर्य जिनका एक एक बयान बीजेपी के लिए मायने तो रखता ही है, लेकिन वो विपक्षी पार्टियों के लिए भी मायने रखता है। किस जात से आते हैं केशव प्रसाद मौर्य? उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर क्या दबदबा है केशव प्रसाद मौर्य, और कैसे बीजेपी में एक बड़े चेहरे बनकर निकल कर सामने आए केशव प्रसाद मौर्य, आज इसकी बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सियासी सफरनामा। इस प्रोग्राम में हम चर्चा केशव प्रसाद मौर्य की कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने धीरे धीरे राजनीति में संघर्ष किया और संघर्ष इतना किया कि पार्टी में एक बड़ी जगह उन्होंने बना ली, और देखते ही देखते केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर बड़े चेहरे बन गए, डिप्टी सीएम बन गए। किस तरीके का सफर रहा उनका राजनीति में, और कैसे योगी कैबिनेट में बड़ी जगह, बीजेपी में एक बड़ा चेहरा बने, देखिए। यहाँ जो बात करता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहां सरकारी व्यवस्था में 7 आवाज दिया। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने गया, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्रिपरिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे, 7 कालिदास मार्ग का दरवाजा, मैं अपने को मानी और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी बैठे, चाहे वो उपमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे तो जनप्रतिनिधि है, उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता है उनसे कुछ बनते क्या की, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दे, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करे। यहां जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहां सरकारी व्यवस्था में 7 आवाज दिया। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने गया, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्रिपरिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे, 7 कालिदास मार्ग का दरवाजा, मैं अपने को मानी तावड़ी जी बैठे, मानी अरुण जी बैठे हैं, हमारी रेखा बहन जी बैठी है, राजीव नेत्री तो हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे, हमारे राष्ट्रीय मंत्री जी बैठे, सबके सामने गया। मैं उस मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूं, और सबसे जो भी किसी जिम्मेदारी बैठे, चाहे वो उपमंत्री के नाते,
चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे तो जनप्रतिनिधि है, उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कार्यकर्ता कुछ बनते क्या थी? इसे सभी कार्यकर्ताओं को बात करना है, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। आदमी की किस्मत का कोई भरोसा नहीं, कब कहाँ किसकी किस्मत चमक जाए और कौन फर्श से अर्श पर चला जाए। ऐसा ही एक नाम यूपी की राजनीति में भी, जिसे 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले बहुत ही कम लोग तो जानते थे, लेकिन ये नाम आजकल यूपी ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में खबरों में काफ़ी तेज़ी से सुर्खियाँ बटोर रहा है, केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य 2017 के पहले उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभालते थे, मगर उनका सियासी सफर ठीक वैसा ही है जैसा कि एक संघर्ष झेल रहे व्यक्ति का होता है। केशव प्रसाद मौर्य एक बार किसी साक्षात्कार में अपने संघर्ष के दिनों की कहानी को बयां कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि वे बचपन में अपने माता पिता की दुकान पर चाय बेचा करते थे। उसके बाद उनके जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब घर का खर्च चाय की दुकान से पूरा नहीं हो पाता था, मगर फिर एक दिन उन्होंने सब्जी की दुकान खोल ली और फिर अखबार बांटना भी शुरू कर दिया। यूपी के कौशाम्बी जिले के एक छोटे से गाँव सिराथू में जन्मे केशव प्रसाद मौर्य के जीवन की असली कहानी शुरू हुई राम जन्मभूमि के आंदोलन के बाद से। इस आंदोलन के दौरान वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। ये वो दौर था जब मौर्य के जीवन की कहानी पैसेंजर ट्रेन से सीधा बुलेट ट्रेन की पटरी पर दौड़ने वाली थी। केशव प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, संघ के साथ जुड़ने के बाद उनका जुड़ाव विश्व हिंदू परिषद से हुआ और यहीं उनकी मुलाकात हुई वीएचपी के प्रमुख अशोक सिंघल से। अगर देखा जाए तो किसी ने अगर केशव प्रसाद मौर्य को बनाया है तो सबसे पहला नाम वीएचपी के प्रमुख अशोक सिंघल का आएगा, क्योंकि उनके ही कहने पर केशव ने राजनीति में अपना कदम डाला। उनको जानने वालों का यहाँ तक कहना है कि उनकी काबिलियत को परखने के बाद ही कई आंदोलनों का नेतृत्व केशव प्रसाद मौर्य को सौंप दिया गया और पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद में अशोक सिंघल के कहने के बाद में वह सक्रिय राजनीति में आ गए। फिर आया वो दौर जिसमें केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरीके से सक्रिय राजनीति में कूद गए। 2004 में उन्हें इलाहाबाद पश्चिम से चुनाव लड़वाया गया। यहाँ से दो बार चुनाव लड़ने के बाद भी वह नहीं जीत सके। साल 2012 में सिराथू से चुनाव जीतकर वह विधानसभा पहुंचे। ये वो दौर था जब उत्तर प्रदेश की आबो हवा बदलने वाली थी। ये वो दौर था जब उत्तर प्रदेश में जाति धर्म अराजकता हिंदू मुस्लिम दंगे से ऊपर उठने वाला था। फिर अमित शाह के कहने के बाद केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई और पिछड़ों के चेहरों के रूप में उभरते मौर्य को साल 2016 में यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। साल 2017 के चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई और पार्टी सरकार बनाने में सफल हुई। यही वजह थी इसके बाद उन्हें बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्य के चुनाव में पार्टी ने अहम जिम्मेदारियां दी और इस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का राजनीतिक कद उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में बीजेपी के अंदर बढ़ता चला गया और ऐसे में बीजेपी के अंदर उन्हें एक बड़ी जगह दी गई। आज केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बड़े चेहरे बन गए। आने वाले समय में केशव प्रसाद मौर्य को सीएम पद तक देने की बात कही जा रही है और अगर ऐसा हो जाता है तो केशव प्रसाद मौर्य के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें, काफी समय से चर्चा ये चल रही थी कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और क्या वाकई केशव प्रसाद मौर्य को अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो फिर योगी आदित्यनाथ का क्या होगा। आज के इस प्रोग्राम में कहीं आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।